हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टासी 999 डिवाइन हीलर। सो गाइस, आज हम रीडिंग करने वाले हैं जो कि रहेगी पेंडुलम रीडिंग। ओके, तो आज ये ऐसी रीडिंग है गाइस कि जहाँ पर सिर्फ मैं पेंडुलम के जरिए आपके सवालों के जवाब यहाँ पे देने वाली हूँ। ओके, तो बेसिकली ये कुछ भी हो सकता है, यस नो रीडिंग हो सकती है, मे बी रीडिंग हो सकती है। जो भी पेंडुलम आपके सवालों का जवाब देगा उसी के जरिए आपको आंसर मिलेगा गाइस। ओके, सामने मैंने आपके बर्थ डेट्स रखे हैं, दो पाइल रखे हैं, पिक कर लीजिए जो भी आपके बर्थ डेट रहेंगे। पाइल नंबर वन ये है और पाइल नंबर टू ये है। ओके गाइस, आपके जो भी सवाल रहेंगे आपको आपको जहन में रखना है। ओके, और मेडिटेट करके आपको पूछना है। ओके, डेफिनेटली आपकी एनर्जी जो है वो यहाँ पर आ जाएंगी और उसी के जरिए आपको आपके सवालों के आंसर मिल जाएंगे। ओके, तो बेसिकली हम पाइल्स के जरिए ही, आपके बर्थडेज के जरिए ही आपके क्वेश्चन के आंसर पिक करने की कोशिश करेंगे। आपका कौन सा भी सवाल आपको पूछना है गाइज, ओके, जो सवाल आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो अभी आप इससे पूछ सकते हो। ठीक है गाइज, अगर आप चाहते हो पर्सनल रीडिंग लेने की तो मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है और कमेंट सेक्शन में मैं मेंशन कर दूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो पर्सनल रीडिंग्स कराने के लिए तो डेफिनेटली मुझे ईमेल करिए, रिप्लाई बैक में मैं कुछ आपसे डिटेल्स मंगवाना चाहूंगी, आपको वो मुझे डिटेल्स देने होंगे तभी जाके मैं रीडिंग्स करूंगी। ओके, कमेंट सेक्शन में अगर आप कुछ पूछते हो तो मैं वहां पर रीडिंग्स या फिर कोई भी कुछ भी सवालात के जवाब नहीं दे सकती हूँ। ओके, अगर आप चाहते हो तो पर्सनली मुझे कॉन्टैक्ट करिए ईमेल के जरिए। ठीक है, तो जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे मैं पर्सनल रीडिंग्स के जरिए आपको देने की कोशिश करूंगी यहाँ पर। ठीक है, तो आज का जो रीडिंग है ये पेंडुलम रीडिंग है, देखते हैं पेंडुलम आपके सवाल के आंसर आपको क्या मिलेंगे। ओके, आपके जो सवाल रहेंगे उसके जवाब आपको क्या देंगे यो पेंडुलम के जरिए। ठीक है, तो पिक करते हैं, पाइल वन से शुरू करते हैं हम। सो हाय पाइल नंबर वन, तो अगर आपने पाइल वन चूज करा है गाइज, अगर पाइल वन में आपके बर्थडेट्स आते हैं तो चलिए देखते हैं कि आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा, जो भी सवाल रहेगा गाइस, उसको आपको जहन में रखना है और मेडिटेट करिए, डेफिनेटली आपकी जो एनर्जी से यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ आप सेंड कर दीजिए, डेफिनेटली आपकी जो एनर्जी है यहाँ पर आ जाएगी। ओके, और आपकी जो सवाल के जवाब रहेगा आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो पाइल नंबर वन के लिए देखते हैं का जो भी सवाल रहेगा गाइस आपको वो पूछना है। ओके, यहाँ पर अगर आप पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहते हो, अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हो गाइस, तो मैंने मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन करा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और कमेंट सेक्शन में भी मैं मेंशन करने वाली हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली मुझे ईमेल के जरिए कॉन्टैक्ट करिए। ओके, कुछ भी सवाल के जवाब, अगर आप कोई भी सवाल कमेंट सेक्शन में पूछते हो तो मैं किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगी, बिकॉज पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझे आपसे कुछ डिटेल्स चाहिए होते हैं। ओके, तो डेफिनेटली अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे ईमेल के जरिए कॉन्टैक्ट करिए, मैं रिप्लाई बैक करूंगी आपके ईमेल का। ओके, तो चलिए पाइल नंबर वन के लिए हम शुरू करते हैं कि आपका जो भी सवाल रहेगा उसका जवाब आपको पेंडुलम क्या देते हैं। ओके, सो पाइल नंबर वन के लिए डिवाइन यूनिवर्स, पाइल नंबर वन के लिए प्लीज बताइए इनके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, इनके जो भी सवाल रहेंगे, आपका जवाब क्या है इनके लिए, प्लीज बताइए। पाइल नंबर वन के लिए क्या जवाब है आप प्लीज बताइए, पाइल वन के लिए आपकी तरफ से क्या जवाब है प्लीज बताइए, पाइल नंबर वन के लिए क्या आंसर है प्लीज बताइए, आप पाइल नंबर वन के लिए क्या आंसर है प्लीज बताइए, पाइल नंबर वन के लिए आंसर क्या है। ओके, बेसिकली मुझे ये पेंडुलम ये बता रहा है गाइस कि आपका कोई भी सवाल रहेगा ना, आपको यूनिवर्स यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको चेक करना है। ओके, देखिए यहाँ पे चेक अगेन आ रहा है, तो डेफिनेटली आपका आंसर जो भी रहेगा, ओके, आपका क्वेश्चन जो भी रहेगा आपको उसको चेक करना है।
ओके उसके बेसिस पर ही आपको यहाँ पे कुछ वेरीफाई करना है, कुछ चेक करना है. ओके डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके सवाल में गड़बड़ है या फिर आप कुछ गलत सवाल पूछ रहे हो. इसके वजह से पेंडुलम आपको ये बता रहा है कि चेक करिए कि आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको आपको गौर करना है, चेक करना है. ओके वापस एक और हम करते हैं बिकॉज यहाँ पे चेक अगेन का नोटिफिकेशन आया है. तो वापस हम करते हैं पाइल नंबर वन के लिए. वापस क्लैरिफाई करिए डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज वापस क्लैरिफाई करिए इनके जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसका आंसर क्या है. पाइल नंबर वन के लिए इनके जो भी क्वेश्चन रहेंगे इसका आंसर क्या है प्लीज बताइए. पाइल नंबर वन के लिए इनके जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है. पाइल नंबर वन के लिए इनका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है. ओके तो बेसिकली अभी यहाँ पे यस दिखा रहा है. ओके हो सकता है आपने सवाल चेंज कर दिया है पाइल नंबर वन, तो आपके लिए यहाँ पर आंसर तो यस ही दिखा रहा है. ओके यस यस के ऊपर आ रहा है तो यस यस है. हो सकता है आप कैंसर राशि के हो. ओके कैंसर जोड़ैक साइन हो सकता है आपका या फिर कैप्रिकॉन हो सकता है, लेकिन आपका सवाल का आंसर यस है. हो सकता है आप लोगों ने सवाल चेंज कर लिया है तो इसके वजह से यहाँ पे यस आपके लिए आंसर आ रहा है. जो भी आपका सवाल रहेगा ओके आपके लिए आंसर यस है, लेकिन बेसिकली शुरुआत में ये चेक अगेन दिखा रहा था. हो सकता है आपने कुछ गलत सवाल पूछा रहेगा इसके वजह से ये आपको ऐसे दिखा रहा था. तो आपका आंसर यस है और हो सकता है आपका जो भी सवाल रहेगा वो जो काम रहेगा हो सकता है थर्सडे फ्राइडे के बीच में हो जाए. ओके थर्सडे पे हो जाए या फ्राइडे के हो जाए या फिर मंडे को हो जाए. ठीक है यहाँ पर अगर मैं मंथ की बात करूँ तो जून जुलाई मंथ यहाँ पे मुझे दिख रहा है. ओके जनवरी दिसंबर में भी ये कंप्लीट हो सकता है जो भी आपका काम रहेगा या फिर जो भी अपने सवालात यहाँ पे पूछा है गाइस. ओके तो बेसिकली आपके लिए आंसर यस है पाइल नंबर वन. ठीक है इसके अलावा अगर आप पर्सनल रीडिंग करना चाहते हो तो मुझे डायरेक्टली मेल एड्रेस पे कॉन्टैक्ट करिए जो कि मेरा ईमेल एड्रेस रहेगा starseeddivinehealer999@gmail.com. ओके तो आप डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो अगर आप पर्सनल रीडिंग करने में इंटरेस्टेड हो तो. ओके मेरा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है और कमेंट सेक्शन में भी मेंशन रहेगा. ठीक है सो दैट्स इट पाइल वन. ये थी आपके लिए पेंडुलम रीडिंग. आई होप गाइज ये आपसे रेजोनेट करेगा. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक फॉर वॉचिंग. बाय बाय. गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल. बाय. सो पाइल नंबर टू. तो अगर आपने पाइल टू चूज करा है गाइज, अगर आपके बर्थ डेट्स पाइल टू में आते हैं तो चलिए गाइज देखते हैं कि पेंडुलम के जरिए आपको आंसर्स क्या मिलते हैं. आपका जो भी सवाल रहेगा गाइज आपको ख्याल में रखना है, जहन में रखना है और मेडिटेट करके वो पूछना है ताकि आपकी एनर्जी जो है वो यहाँ पर मुझे मिले. ओके और डेफिनेटली आपके सवाल के आंसर्स यहाँ पर आपको मिलेंगे. ओके इसके अलावा अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेने में इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली आप मुझे ईमेल के जरिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो. मेरा ईमेल एड्रेस जो है वो कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन है. ओके अगर आप कुछ भी सवालात करना चाहते हो तो डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट करिए. कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछिएगा नहीं बिकॉज मैं कमेंट सेक्शन में आपको रिस्पॉन्स नहीं कर सकती हूँ जो भी आप मुझे सवाल पूछते हो. ओके क्योंकि आपकी रीडिंग करने के लिए या फिर आपके बारे में जानने के लिए मुझे आपके डिटेल्स चाहिए होते हैं जो कि मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पर भी आपको भेजना पड़ेगा. ठीक है अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे ईमेल एड्रेस पे मुझे नोटिफाई कर सकते हो या मुझे ईमेल सेंड कर सकते हो. ठीक है तो मैं आपको रिप्लाई बैक करूंगी, फिर उसके हिसाब से आपको मुझे डिटेल्स देना है, फिर मैं आपकी रीडिंग दे दूंगी. ठीक है अगर आप इंटरेस्टेड हो तो गाइस. ओके सो चलिए अभी हम देखते हैं पेंडुलम रीडिंग. आपका जो भी सवाल रहेगा आपको मेडिटेट करके पूछना है या फिर आपको जहन में रखना है और आपकी जो एनर्जी है यहाँ पर मिल जाएगी. ओके तो सो पाइल नंबर टू के लिए आपके जो भी सवाल है गाइस आपको पूछना है. ओके आप जहन में भी रख सकते हो, आंख बंद करके मेडिटेट करना है और आपको जहन में रखना है.
ठीक है. सो फॉर पाइल नंबर टू, डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज बताइए पाइल नंबर टू के लिए आपकी तरफ से क्या आंसर है. ओके, उनके जो भी क्वेश्चन रहेगा, वो जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनका आंसर आपकी तरफ से क्या है फॉर पाइल नंबर टू. आपकी तरफ से आंसर क्या है प्लीज बताइए फॉर पाइल नंबर टू. इनका जो भी क्वेश्चन रहेगा यूनिवर्स, आपकी तरफ से इनके लिए क्या आंसर है, आपकी तरफ से इनके लिए क्या आंसर है प्लीज बताइए. आपकी तरफ से इनके लिए क्या आंसर है, वो जो भी सवालात पूछ रहे हैं प्लीज बताइए आपकी तरफ से क्या आंसर है, आपकी तरफ से क्या आंसर है यूनिवर्स. गाइस आप लोग शायद क्वेश्चन पूछ नहीं रहे हो, अब आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे पूछिए प्लीज, बिकॉज पेंडुलम ऐसा ही कांस्टेंट खड़ा है, वो हिल रहा था फिर बाद में वापस थम गया. शायद आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो या सिर्फ आप देख रहे हो कि चलिए टेस्ट करते इस चीज को, या पूछ रहे या आंसर इज यस. पाइल नंबर टू के लिए आंसर यस है, कंप्लीटली फॉर श्योर यस है, क्योंकि बीच में ना पेंडुलम रुक गया था गाइज. ओके, मैंने इसके वजह से कहा कि आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो या फिर आप हिचकिचा रहे हो क्वेश्चन पूछने के लिए. डेफिनेटली फॉर श्योर बिग यस है आप लोगों के लिए. देखिए पेंडुलम कितने जोर से घुमा रहा है, मैं हाथ भी नहीं हिला रही हूँ गाइज, वो अपने आप ही घूम रहा है. डेफिनेटली फॉर श्योर बिग यस है जो भी आपने क्वेश्चन पूछा रहेगा यहाँ पर गाइज. ओके, और जो भी पूछा रहेगा हो सकता है वो मंडे थर्सडे फ्राइडे तक पूरा होगा, या फिर हो सकता है अगर आप किसी पर्सन के बारे में पूछ रहे हो सकता है उनकी राशि यहाँ पे कैंसर राशि हो, कैप्रिकॉन हो, वर्गो हो, या फिर पाइसिस हो सकती है, या फिर हो सकता है वो जेमिनाई हो, या फिर लियो हो सकते, नॉट नेसेसरी, लेकिन यहाँ बेसिक स्पेसिफिकली मुझे ऐसा दिख रहा है कैंसर न तो कैप्रिकॉन उनकी राशि हो सकती है जिस पर्सन के बारे में आपने पूछा रहेगा. ओके, और हो सकता है उनके इनिशियल्स हो सकते हैं यहाँ पर MNOPQ, ओके, या फिर MNO उनके इनिशियल हो सकते हैं, PB हो सकता है. ओके, ये पर्सन के बारे में अगर पूछा रहेगा या फिर कोई भी सवालात के जवाब आपने पूछा रहेगा तो वो हो सकता है जनवरी दिसंबर में पूरे होंगे या फिर जून जुलाई में पूरे हो सकते हैं. ओके, तो स्टार्टिंग में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा नहीं था, बिकॉज बेसिकली थोड़े से हिलने के बाद पेंडुलम रुक गया था. ओके, तो डेफिनेटली वो एनर्जी पिक करता है गाइस. ओके, हो सकता है कुछ जो मेरे व्यूवर्स रहेंगे यहाँ पर सिर्फ देख रहे थे या फिर सिर्फ ऐसा सोच रहे थे कि हाँ देखते हैं क्या आता है, ये सच में हिलता है या नहीं हिलता है, कुछ ऐसे डाउट्स रहेंगे आपके. ओके, इसके वजह से वो, अगर आप जहन में डाउट लेकर ये देख रहे हैं ना गाइज, तो डेफिनेटली आपका ये जो पेंडुलम है वो हिलते नहीं है, वो ऐसे रुक जाता है क्योंकि वो हिलते हिलते रुक गया था, तो कहीं ना कहीं डाउट आपके जहन में था. और जैसे ही कुछ जो मेरे व्यूवर्स रहेंगे बहुत ही कॉन्फिडेंटली आपने अगर पूछा रहेगा, ओके, बहुत ही ट्रस्ट करके अगर आपने पूछा रहेगा तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत बिग यस आ गया फाइनली. ओके, डेफिनेटली आपके लिए यस है पाइल नंबर टू. ओके, जो भी सवालात रहेंगे आपके उसके लिए आंसर इज बिग यस फॉर यू. ओके, मैंने मंथ भी आपको बता दिया, जनवरी दिसंबर में आपका काम हो सकता है या फिर जून जुलाई में आपका काम हो सकता है यहाँ पर. ओके, यहाँ पे अगर मैं डेट्स की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 4, 5, 6, 7. ओके, ये डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या फिर इनिशियल मैंने आपको बताया MNOP. ओके, तो ये इनिशियल्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं. सो दैट्स इट पाइल टू. आई होप गाइज ये आपसे रेजोनेट करेगा. थैंक फॉर वॉचिंग. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर ये आपको रेजोनेट होता है तो. गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल. बाय बाय.